इसमें ये है कि वो इंटरनेशनली कामयाब नहीं हुआ, उसके आज अभी तक कुछ 9 या 10 मैच हैं और उसकी 4.5 या 5 की एवरेज है। ही कुडंट ब्रिंग दैट स्टैट्स इनटू इंटरनेशनल क्रिकेट, विच आई अंडरस्टैंड एंड इवन एवरी वन विल अंडरस्टैंड हु प्लेड दिस गेम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सम टाइम आपको एडजस्ट करने में टाइम लगता है, एंड दैट वॉज द रीजन वी ब्रॉट हिम इन, कि यार हम उसको एक लॉन्ग रन देंगे टिल वर्ल्ड कप। उसको क्लैरिटी दी है कि यू आर नॉट गोइंग एनी वेयर, आपने यहाँ हमने न्यूजीलैंड में खिलाना, मैं जाता तौर पर उसको ज़्यादा मैच खिलाना था, लेकिन 3 मैचेस के बाद वी थॉट दैट ही इज़ नॉट डूइंग वेल, ताकि उसका कॉन्फिडेंस इतना शैटर्ड ना हो जाए कि वो दोबारा उसको कम बैक ना कर सके, क्योंकि आपको पता है नाउडेज सोशल मीडिया फौरी एक परफॉर्मेंस के बाद आपके पास आ जाता है। प्लान ये हुआ था कि हम उसको खिलाएंगे, उसको पूरा एक रन देंगे वर्ल्ड कप तक, ही इज़ नॉट गोइंग एनी वेयर। तो यहाँ पर अगर उसको 3-4 मैच मिले हैं, यहाँ पे न्यूजीलैंड की टीम आ रही है जब अप्रैल में, फिर हमने इंग्लैंड जाना है, तो ही विल गेट दोस 10 to 15 मैचेस बिफोर द वर्ल्ड कप। सॉरी, विल ही दो? आई थिंक ही शुड, ही शुड, क्योंकि अगर आप नहीं देते तो आप अपना प्लान जो सेट किया आप उससे दूर जा रहे हैं, और आपके पास ऑप्शंस नहीं थे, क्योंकि इससे पहले खुशदिल और आसिफ आप आजमा चुके हैं, हैदर अली इज नॉट डूइंग दैट थिंग्स राइट एट द मोमेंट अनफॉर्चुनेटली। आपके पास ऑप्शंस नहीं थी नंबर 5 और नंबर 6 पे, इसलिए इफ्तिखार अहमद इज बैटिंग नंबर 5। हमने बात, मैंने बात की उसके साथ फ़खर के साथ, यू सेट योर सेल्फ एट नंबर 4 पोजीशन, क्योंकि पहले 3 सॉर्टेड हैं, बाबर, रिजवान इज़ देयर, एंड आई पर्सनली वांटेड विद टू हैविंग अ राइट कॉम्पोजिशन फॉर द टीम, क्योंकि सिर्फ टीम 2 प्लेयर नहीं होते या 3 प्लेयर नहीं होते, टीम 15 की होती है, तो हमने 15 प्लेयर रेडी करने के लिए कुछ लोगों को एडजस्ट करना था, जिसमें फ़खर को 4 का हमने रोल दिया, एंड ही वॉज वेरी कम्फर्टेबल बिकॉज ही हिमसेल्फ वॉन्टेड नॉट टू बैट एज एन ओपनर, एंड आई थॉट इट्स द बेस्ट टाइम फॉर हिम, कि वो जो उसकी एक फ्लेयर है, और फिर वो लेफ्ट हैंडेड होने की वजह से जो लेफ्ट आर्म स्पिन आती है जो ब्रेक करता है आपको मैच है, वो बड़ा अच्छा सेटअप होता है, और उसके अलावा आपके पास लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन था ही नहीं, तो आई थिंक दैट ऑल्सो गिव यू दैट ऑप्शन कि अगर आजम नंबर 6 पे खेले। दूसरी एक चीज़ जो हमने की थी कि आजम विल नॉट फील्ड बिकॉज ही कैन नॉट फील्ड अनफॉर्चुनेट, लाइक जो भी उसकी बॉडी पोजिशन है उसको कीपर के तौर पर खिलाया जा सकता है। इसमें मैंने रिजवान से बात की, एंड ही अंडरस्टूड दैट थिंग कि पाकिस्तान के लिए अगर हम उसकी कीपिंग को फील्डिंग में यूटिलाइज कर लें, बिकॉज ही इज़ अ गुड फील्डर।